أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। आप लोग देख रहे हैं तनवीर फुटबॉल फैंस चैनल। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल पे आपको अच्छी अच्छी वीडियो, न्यू वीडियो, इंफॉर्मेशन वीडियोस और बच्चों के टैलेंट्स और बच्चों की प्यारी प्यारी बातें और उनकी प्यारी प्यारी शरारतें सब आपको मिलती हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के दरमियान जो कल मैच खेला गया था उसके बारे में थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। श्रीलंका पहले बैटिंग करते हुए 155 रन का टारगेट दिया था, जिसमें उनके बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा खेला और ये अच्छा टारगेट हो सकता था अगर ऑस्ट्रेलिया अच्छी बैटिंग ना करता। लेकिन उस ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी बैटिंग करके दिखाई। उन्होंने बैटिंग तो अच्छी की, लेकिन आपको एक चीज़ का सबक भी दे गए वो लोग ऑस्ट्रेलिया के। वो क्या सबक है कि आपने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में खेलना है तो एग्रेसिव खेलना है, ये टुक टुक नहीं करना आपने। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आप पहला मैच देखें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान जो मैच खेला गया था उसमें फिन एलन ने आपको मतलब 4 ओवर में उसने 60-70 रन कर दिए थे, 60 रन के करीब कर दिए थे 4 ओवर में। तो उसके बाद फिर वो आया कॉनवे, उसने अच्छा खेला। तो ये आप देखें कि उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेली थी तो उन्होंने टारगेट दे दिया 200 का। अब ऑस्ट्रेलिया को भी ये ऑस्ट्रेलिया में यही किया कि उन्होंने भी अटैकिंग क्रिकेट खेली। उनके शुरू में आउट हुए तो वहाँ से मैक्सवेल आए, उसने अटैक करना शुरू कर दिया। फिर मार्क स्टोनिस आए, उसने तो आउट क्लास कर दिया, 14 बॉलों पे 50 बना दी। तो ये है कि यहाँ पे आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन्होंने कहा, अभी जो इनके जहन में चल रहा है कि हम अटैकिंग करेंगे, दूसरे को दूसरी टीम को प्रेशर में लाएंगे और बआसानी हम 180 के करीब तक और 160-180 के करीब तक स्कोर पहुंच जाएगा उनका और वो इनको आसानी से रोक सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को जो टारगेट मिला था 160 के करीब, उसमें उन्होंने अच्छी आगाज़ तो नहीं किया, लेकिन बाद में मैक्सवेल और मार्क स्टोनिस ने अटैकिंग क्रिकेट खेलकर ऑस्ट्रेलिया को जीत में अहम किरदार अदा कर दिया। तो पाकिस्तान में कल मैच है तो पाकिस्तान को भी अच्छा खेलना है, तो हम बात करेंगे पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जो मैच खेला जाएगा तो उस पर अभी थोड़ी देर बाद आपको मुलाकात होती है दोबारा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।